सो गाइस आ चुके हैं आज हम रेजिडेंसी। ये है रेजिडेंसी का मेन गेट और ये है टिकट काउंटर जहाँ से हमने टिकट ले लिया है। ये है दो टिकटें, हम और हमारे एक फ्रेंड हैं जो आज यहाँ पे घूमने आए रेजिडेंसी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रज्जू भाई ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब लोग? इसका नाम है ब्रिटिश रेजिडेंसी जो है लखनऊ में। तो ये हमारा ब्रिटिश रेजिडेंसी का ब्लॉग होने वाला है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपका थैंक्स भी कर सकें। तो ये है केसरबाग के पास में एरिया। ये आप देख सकते हैं वकीलों का पूरा झुंड यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि केसरबाग में जो और हमारे पुराने कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट, इसके जस्ट पास में ही ये है। ये कैसरबाग का एरिया लगता है। तो हम लोग चल रहे हैं, एंट्री करते हैं। गाइस आगे चल के हम बताएंगे आपको इसकी पूरा इतिहास के बारे में कि ये किससे, किसने बनवाया, कब बना, यहाँ पे कौन कौन था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और एक ग्रेवयार्ड भी है जहाँ पर अंग्रेज़ों की कब्रें हैं, एंड यहाँ पर एक मज़ार भी है और इमामबाड़ा भी एक छोटा सा, एंड मस्जिद भी है और बहुत कुछ। इस गाइस यहाँ पर बहुत अलग अलग यहाँ पे एरिया है, बहुत बड़ा है घूमने के लिए। तो हम इसका आपको इतिहास भी बताएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को हमारी पूरा देखें, एंड मिस मत करें और कोई भी चीज़ मिस ना करें, स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये हमारे दोस्त हैं। तो अगर आप लखनऊ से हैं, आप यहाँ आए भी होंगे, आपने घूमा भी होगा, पर हो सकता है आपने इसकी पूरी इतिहास ना जानते हो। तो हम वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि इसका पूरा इतिहास बताया जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आगे की। ये आप सामने हमारे जो देख रहे हैं ये बेली गारद गेट है जो रेजिडेंसी का मेन गेट होता है। तो इसी से हम प्रवेश करेंगे। और ये जो रेजिडेंसी है इसको बनवाया था शुजाउद्दौला ने। जब शुजाउद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे तो उन्होंने एक संधि करी। उस संधि के हिसाब से यहाँ उन्होंने संधि की जिसमें कहा गया कि आप अंग्रेज़ों के जो अफसर थे उनके लिए एक घर बनवाए, उनके रहने का इंतज़ाम करें लखनऊ में। तो ये देखिए बेली गारद गेट, आप से पढ़ सकते हैं और यही गेट है वो मेन गेट। तो आगे चलते हैं, बताते हैं इसके इतिहास में। तो नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजी रेजिडेंस के लिए इसे निर्माण करवाया था ताकि अंग्रेज रह सकें यहाँ पे, और इसीलिए इसको अंग्रेज़ों का रेजिडेंस था तो इसीलिए ब्रिटिश रेजिडेंसी भी इसका नाम पड़ गया। तो नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से जब लखनऊ ट्रांसफ़र करके आए तो उस समय इन्होंने फिर इसका आगे जो काम था उसे आगे बढ़वाया। मतलब शुजाउद्दौला ने इसको शुरू किया था, बाद में नवाब आसिफुद्दौला ने इसको मरम्मत करने बनाने की कोशिश की और इसको शहादत अली खां, नवाब शहादत अली खां ने इसे कंप्लीट करवाया। इस रेजिडेंसी में एक नहीं हज़ारों यादें जुड़ी हुई हैं, नवाबों से रिलेटेड, लखनऊ के लोगों से जुड़ी हुई और साथ ही साथ अंग्रेज़ों से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ आज भी जो अंग्रेज़ हैं उनके परिवार के लोग हैं वो आते हैं और जो यहाँ पे अंग्रेज़ों की कब्रें बनी हुई हैं वो देखने के लिए और घूमने के लिए भी लोग आते हैं। अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। ये आप पूरा मैप देख सकते हैं रेजिडेंसी का है। इस रेजिडेंसी के मैप के हिसाब से आप घूमना चाहें तो आराम से घूम सकते हैं अगर पहली बार आप आते हैं। तो गाइज ये 1857 में जो गदर हुई थी इसका बहुत कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ है। जो गदर शुरू हुई थी 1857 में लखनऊ में शुरू हुई थी और इसकी गोले बारूद के जो निशान हैं आज भी ये सामने आप देख सकते हैं, इस इमारत में मौजूद हैं। आपको देख रहे होंगे बड़े बड़े जो होल दिख रहे हैं ये सारे बारूद और गोलियों के निशान हैं। कैसरबाग बनी रेजिडेंसी करीब 33 एकड़ में बनी हुई है। पूरी ये 33 एकड़ का एरिया है। रेजिडेंसी का निर्माण जो है अपने मुझे मैंने अभी बताया आपको 1774 में नवाब शुजाउद्दौला ने इसे शुरू किया था, उसके बाद शहादत अली खान ने इसे पूरा करवाया। रेजिडेंसी का निर्माण जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी रेजिडेंट जो लोग थे उनके कहने पर ऊंचे टीले पर करवाया गया, मतलब ये ऊंचा एरिया है। आप देख सकते हैं हम जो चढ़ के आए थे भी बेली गारद वाला गेट जो कितना थोड़ा हाइट के ऊपर है। ये नेटिव हाउस है, ये आप देख सकते कोषागार। अवध के नवाब ने जो ये बनाने का उनका मुद्दा था मेन, तो अवध के नवाब जो थे अंग्रेजी
जो रेडेंस थे उनको मेहमान नवाजी के लिए से बनवाया था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश के जो रेजिडेंस लोग थे, जो गवर्नर थे और जो भी इनके आला अफसर थे, यहाँ पर कब्जा करने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है और धीमे धीमे करके अवध के नवाब पर निगरानी करनी भी शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, इतने से इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने अंग्रेजी अफसरों ने प्रशासनिक कार्यों तो नवाबों के जो कार्य थे उनमें भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर अवध के जो नवाब थे उन्हें काफ़ी हलचल हुई, मतलब हलचल फैल चुकी थी कि ये इस तरह का चीज़ें हो रही हैं। और इसी वजह से अवध के नवाब जो थे और धीरे धीरे करके उन्होंने रेजिडेंसेस अपनी दूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और उस समय के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, जो बहुत फेमस हैं नवाब वाजिद अली शाह, और उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, इन दोनों का किस्सा ही है जिस वजह से यहाँ पे गदर शुरू हुई थी और बेगम हजरत महल ने इस पूरे एरिया को घेर रखा था। सारी चीज़ें भी हम बताने वाले हैं एक एक करके सब। तो जो वाजिद अली शाह थे उनको ब्रिटिश का जो रेजिडेंस थे उन सारे लोगों ने मिलके उनको अयोग्य घोषित कर दिया कि ये इस प्रजा को संभालने लायक नहीं है। और ब्रिटिश हुकूमत 7 फरवरी 1857 का अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य घोषित करके उनकी सत्ता छीन ली थी। ये देखें हमारे दोस्त बहुत ही मज़े में हैं। नवाब वाजिद अली शाह कोलकाता भाग गए, उसके बाद यहाँ से चल छोड़ के कोलकाता चले गए थे। इसके बाद अवध में कंपनी बहादुर के तहत लोगों पर नए नए कर लगाकर लोगों पर अत्याचार शुरू हो गया। 10 मई 1857 में मेरठ में आज़ादी की पहली लड़ाई की क्रांति शुरू हुई। इस क्रांतिकारी लड़ाई की आग अवध तक पहुंच गई। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वाजिद अली शाह के बेटे को अवध का नवाब घोषित कर दिया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अपने नेतृत्व में क्रांति की लड़ाई। साथ ही हम ये भी बताते चलते हैं, डॉक्टर फेरर का हाउस है। जैसे मैं भोजनालय कक्ष या मतलब कोषागार से जब हम आगे निकले तो सामने कुछ ही इमारत दिखी जिसके आसपास एक छोटा सा लॉन दिखा। मैंने कुछ पल के लिए सोचा है कि एक डॉक्टर के लिए इतना आलीशान इमारत, पता लगाने के लिए झट से ऊपर की ओर दौड़ा। जानकारी मालूम हुई थी डॉक्टर फेरा रेजिडेंस के प्रमुख चिकित्सक थे जो वहाँ के सभी लोगों को इलाज करते थे। एक मंजिला भवन है ये, जिसके नीचे के हिस्से में एक तहखाना भी मौजूद है। 1857 के हमले के दौरान सभी घायलों का इलाज यहाँ भी किया जाता था। तहखाने के हिस्से को आवास के रूप में परिवर्तित किया गया था जिसके अंदर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर फेयर ने उस समय सैकड़ों लोगों का इलाज किया और एक अहम भूमिका निभाई। सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु इसी इमारत में 4 जुलाई को हुई थी। आगे बताते हैं हम 1857 की जो गदर हुई उसमें और क्या क्या चीज़ें हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी का अपना ही एक अलग महत्व है। जो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में सारी लड़ाई चल रही थी तो उनके प्रमुख सहायक थे जिया लाल की कमांड में लड़े गए चिनहट की लड़ाई के अगले दिन 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस दौरान तमाम अंग्रेज परिवार यहाँ पर कैद थे। 17 नवंबर 1857 की रात मौलवी अहमदुल्ला शाह ने रेजिडेंस पर आखिरी हमला किया था। और साथ ही साथ इसके बाद जो आखिरी हमला था उसके बाद से फिर जो उस समय के जिसके दूसरे दिन कॉलिन कैंपवेल कानपुर से लेकर अपने सेना लेकर आए और उस पर अंग्रेजी अधिकार वापस पा लिया था उन्होंने। ये है मस्जिद और मकबरा, इमामबाड़ा है और मस्जिद है और यहाँ पे पास में ही एक मज़ार भी है, वो सारी चीज़ें भी दिखाते हैं आपको। इसके बारे में कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, ये मस्जिद का निर्माण नवाब साहब ने करवाया था। ये मस्जिद आज भी है और इसमें जो इमामबाड़ा है उसकी छत जो है इस 1857 की गदर में ध्वस्त हो चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी है। आप देख सकते हैं ये सामने इमामबाड़ा है, उसके राइट साइड में मस्जिद है। इस इमामबाड़े की जो छत है देख सकते हैं पूरी तरह से गायब है, कुछ भी नहीं बचा है। मस्जिद सही सलामत आज भी है इसी अवस्था में। ये इसका प्रांगण है, ये एरिया है पूरा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एरिया, पूरा नज़ारा, पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है, ये पूरा खाली है। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है यहाँ की आज के वक्त में। ये है इसका गेट जो बंद रहता है, यहाँ पे सिर्फ टाइम टू टाइम यहाँ पे खोला जाता है
और पर्यटकों के लिए, मतलब जो लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं उनके लिए ये खुला नहीं है, उनके लिए बंद कर रखा है, उनको जाना यहाँ पे मना है। ये देखिए राइट साइड में है पूरा एरिया, यहाँ पे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी है और अच्छी स्मेल भी यहाँ पे आ रही है। एक अलग ही माहौल है इस एरिया का पूरा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम बता तो नहीं सकते क्या है, पर फील करने पे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पूरे एरिया में सबसे खूब मतलब बेहतरीन जगह लगी, स्मेल बहुत अच्छी यहाँ पे आ रही है, बहुत खुशबू है। ये सामने देख सकते हैं आप। और यहाँ से निकल के हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे जो जो इमारतें बनी हैं और उनके बारे में भी हम बताएँगे, और साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि जो यहाँ पे म्यूज़ियम है वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में तो यहाँ पे ले जाना अलाउ नहीं, वीडियो बनाना मना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इमारतें हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे। इमारतों से पहले हम चलिए जान लेते हैं 1857 की जो क्रांति थी वो आगे क्या हुआ उसमें भी। तो 1857 में जो गदर चल रही थी वो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने ये चीज़ें की थी कि वो चाहती थी कि जिस तरह से इन्होंने उनको परेशान किया है, उनके खामिंद और उस समय के नवाब वाजिद अली शाह को परेशान किया, उनसे गद्दी छीन ली, तो उसका बदला लेना चाहते थे वो उस समय। तो आगे चलिए हम बताते हैं फिर। जो डॉक्टर फेरर हाउस है उसी फेरर हाउस के पास जो उस समय के कमांडर ऑफिसर हुआ करते थे सर लॉरेंस हेनरी, तो उन्हें भी यहाँ पे गोली मार के हत्या की गई थी, तो उसके बारे में चलिए हम बता देते हैं। डॉक्टर फेरर हाउस के पास ही जुलाई 1857 को कर्नल पामर की बेटी के पैर में गोली मारी थी। इसी भवन की ऊपरी मंजिल पर पूर्व सिरे वाले कमरे में 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस को क्रांतिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका इलाज भी डॉक्टर फेरर हाउस में चला था उनका भी, जो उस समय के कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे। और इनकी स्मारक भी यहाँ पास में बनी हुई है, उसको भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में आप बने रहें। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए आगे बताते हैं हम ट्रेजरी हाउस के बारे में। रेजिडेंसी में यूरोपियन अधिकारियों का विनिमय विभाग था। तो 1857 की क्रांति में इसके केंद्रीय भाग को प्रयोगशाला बना दिया गया था। इसमें इनफील्ड गन की कार्टिलेज बनाए जाते थे। इसके निकट ही पुराने बरगद के पास रेजिडेंसी का पोस्ट ऑफिस था, जिसमें गदर के सभी टूल्स सेल्स का निर्माण होने लगा। ये पूरा हॉल था उस समय। और जो बरगद के पेड़ की बात चल रही है वो बरगद का पेड़ भी आगे हम वीडियो में दिखाएंगे आपको। ये छोटे छोटे एरिया थे, अभी तो सब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है ये पूरा एरिया। चलिए आगे हम बताते हैं इस बैकवेट हॉल के बारे में। अवध हुकूमत में इस इमारत में ब्रिटिश रेजिडेंसी के लिए दावत खाना बनवाया गया था। ये बरगद का पेड़ वही है जिसके बारे में भी हमने बात की थी, जहाँ प्रयोगशाला बनाई गई थी। तो जो दावत खाने की बात हम कर रहे हैं बैकवेट हॉल की, तो ये 2 मंजिला भवन एक दौर में यूरोपियन फर्नीचर और चीन के सजावटी सामान से भरा पड़ा था। इसके मुख्य कक्ष में फाउंटेन चलते थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दौर में इस हॉल में बहुत सारे दावतें हुआ करती थी। गदर के दिनों में इसे अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यह है सर हॉर्नेस सर लॉरेंस हेनरी की कब्र। रेजिडेंसी में रहने वाले ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस बेहद कुशल प्रशासक थे। गदर की लखनऊ रेजिडेंसी की बुनियाद अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने रखी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला, बहुत फेमस कहावत है उनके बारे में। गोमती बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले खूबसूरत तीरे पर रेजिडेंसी का काम शुरू कराने वाले आसिफुद्दौला निर्माण पूरा नहीं कर सके। उनके बाद नवाब सआदत अली खां 1798 से 1814 तक की रेजिडेंसी की तामीर पूरी की। इस इमारत का मकसद था सुविधा व ज़रूरत को देखते हुए अंग्रेज़ों को टीले में बसाना। दरअसल इस इमारत में ब्रिटिश जनरल और उनके सहयोगी ही रिहाइश थी, मतलब उनके घर हुआ करते थे।
उस ज़माने में ब्रिटिश अधिकारी नवाबों की अदालत में ब्रिटिश हुकूमत और उसके अधिकारियों का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए थे। लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी दरअसल एक दर्जन से अधिक इमारतों का समूह है। चारों ओर खूबसूरत बाग, घिरा हुआ बलखाती गोमती के करीब बना यह आलिशान परिसर अंग्रेज़ों को खूब रास आया। यह अंग्रेज़ों का गढ़ बन गया। इसमें अंग्रेजी सेना के शीर्ष अधिकारी, उनके परिवार के लोग और सैनिक भी रहते थे। यह परिसर एक तरह से एक शहर था, छोटा सा शहर जहाँ सामान्य सुविधा की हर सुविधा उपलब्ध थी। लखौड़ी ईंट और सुर्ख चूने की बनी कुछ दो मंजिला इमारतें में कई बड़े बड़े बरामदे, रेजिडेंसी के नीचे बड़ा तहखाना है। यह सर हेनरी लॉरेंस की कब्र, उनके स्मारक हैं। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, इसके नीचे ही म्यूज़ियम बना हुआ है, इस बिल्डिंग के जस्ट नीचे बना हुआ है म्यूज़ियम। और वहाँ पे वीडियो तो हम बना नहीं सकें, इसमें यही बिल्डिंग है इसके नीचे बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जाने से पहले हमारा लगेज जो था उन्होंने रखवा लिया था, और इसलिए हम वहाँ की वीडियो नहीं दिखा सकते हैं आपको। तो आप ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे लास्ट एंड पे हैं हम, और हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो गाइस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, या फिर कुछ आप पूछना चाहते हो, या फिर आप कुछ जानकारी देना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा कब्रिस्तान है और चर्च भी है। इस चर्च को सन 1810 में गोथिक शैली में निर्मित किया गया था। ये आप पढ़ भी सकते हैं आराम से। ये चारों तरफ से पूरा कब्रिस्तान है, जिसका प्रथम युग जो प्रथम उपयोग था 1857 की गदर के बाद ही इसको उपयोग में लाया गया था। उस समय इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की डेथ हुई थी, लोग मरे थे, कि उन्हें एक साथ ही कई एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाया गया है। तो और यहाँ पे कुछ नामचीन लोगों की कब्रें भी हैं, जिनका नाम हम आपको बताएंगे भी। इस अनोखी जगह का एक अपना ही इतिहास है। सर हेनरी लॉरेंस अतिरिक्त यहाँ फ्रांसिस एलन हेल एवं उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट जॉन और मिस सुजान पाल्मर, थॉमस जॉन क्लेंसी जैसी अनियमित आत्माएं इस भूमि में सोई हुई हैं। इसके दक्षिणी में एक भूसड़खाना है। ये हमारे साथी जो हैं बैठ गए हैं इसकी कब्र पे ही सीधे। घेराबंदी से पहले इसे इस घेराबंदी जब हुई उससे पहले इसे अन्नगार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। यह पूरा एरिया देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। फिलहाल तो बना है, इससे पहले तो यहाँ पे आने में भी डर लग रहा था, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई नहीं हुआ करती थी। इस समय बड़ा क्लीन किया गया है इसे। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है, हर जगह को मैंने घुमाया है आपको, और कोशिश ये की है कि सारी चीज़ों को हम बता सकें आपको। ये सारी कब्रें आप देख सकते हैं उसी समय की, 1857 की गदर में। और यहाँ पे आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग मरे थे उनके जो घर परिवार वाले लोग हैं वो आज भी यहाँ आते हैं और देखते हैं घूमने के लिए। और एक ख़ास बात तो और भी है यहाँ की, कि यहाँ पे रात में आना मना है, और कहते हैं लोग कि यहाँ पे आज भी ये आत्माएं घूमती रहती हैं। तो अंधेरा होते ही यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया जाता है, अंधेरे के बाद यहाँ पे आना मना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखी गई हैं। लोग बोलते हैं कि आवाज़ें भी बहुत सारी यहाँ पे आती हैं, उस गदर में जो चीख चिल्लाने की आवाज़ें थी वो सारी चीज़ें भी आज भी सुनाई देती हैं लोगों को। तो चलते हैं गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो गाइस चल रहे हैं हम वापस के अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू। हमारी नेक्स्ट वीडियो बेगम हज़रत महल पार्क की होने वाली है, ये इसी से जुड़ी हुई है, उसको भी हम दिखाएंगे आगे वीडियो में।